हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंधीज रेसिपीज। आज बनाएंगे हम स्ट्रीट स्टाइल भेल स्पेशल तीन चटनियों के साथ। सबसे पहले बनाते हैं धनिए की चटनी। मिक्सर जार में ऐड करेंगे धनिया। करेंगे पुदीना, दो हरी मिर्च, आधा नींबू का रस, हाफ टी स्पून नमक, लहसुन की कली, दो बर्फ के टुकड़े। चटनी बनके रेडी है। अब हम बनाएंगे लहसुन की चटनी। हमने लिया है 10 से 12 लहसुन, दो से तीन टेबलस्पून, आधा नींबू का रस ऐड करेंगे, ऐड करेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा पानी, सभी चीज। लहसुन की चटनी बनके रेडी है। अब हम बनाएंगे इमली की चटनी। इमली की चटनी बनाने के लिए हमने एक पैन में लिया है 1/4 कप जितना इमली और 1/2 कप जितना गुड़ लिया है, पैन में ऐड किया है। इसमें ऐड करेंगे 1/4 ग्लास पानी, 1/4 कप पानी। इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे 5 मिनट तक। अच्छे से मिक्स कर देंगे। हो गए हैं। अब हम गैस बंद करेंगे। चटनी भी बन के रेडी है। जब ये पूरी तरह से ठंडी होगी तब हम इसे स्ट्रेन करेंगे। इमली का पल्प हमारा ऑलमोस्ट ठंडा हो गया है। अब हम इसे स्ट्रेन करेंगे। पल्प हमने पूरी तरीके से निकाल लिया है। अब हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर। अच्छे से मिक्स कर देंगे। चटनी हमारी पूरी तरीके से ठंडी होगी, फिर थोड़ी गाढ़ी होगी। हमने एक बोल में करीब 2 कप जितना मुरमुरा लिया है। कढ़ाई में हमने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून। ममरा को तब तक मिक्स करना है जब तक हल्का सा येलो ना हो जाए। करेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर। मिक्स करेंगे। एक 2 मिनट चलाएंगे। ममरा अच्छे से सौते हो गए हैं। अब हम चलते हैं भेल बनाने की तरफ। अब भेल बनाते हैं। एक बोल में मुरमुरा सौते किया था वो ऐड करेंगे। हम ऐड करेंगे ये हल्दीराम्स का मिक्स नमकीन। नमकीन ऐड करेंगे। एक टमाटर लिया है ऐड करेंगे। एक आलू लिया है ऐड करेंगे। एक बारीक कटा हुआ प्याज लिया है ऐड करेंगे। करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून हरे धनिए की चटनी। ऐड करेंगे लहसुन की चटनी।
हम बिल्कुल स्ट्रेट स्टाइल बेल बना रहे हैं, इसलिए ये सब चटनी ऐड कर रहे हैं। ये इमली की चटनी, दो टेबलस्पून करेंगे, आधा नींबू का रस ऐड करेंगे, नाइलॉन सेव, ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ धनिया। धनिये से बेल में फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इसी तरह से मिक्स करेंगे। बेल में लहसुन की चटनी ऐड करेंगे तो फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल हो जाती है। आप चाहे तो अनार भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है। अच्छे से मिक्स हो गई है, इसे सर्व करते हैं। ऐड करेंगे सेव, स्ट्रीट स्टाइल भेल बन के रेडी है।